आईब्रोज के बालों को काला करना मोटा कैसे किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में होम ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। कोई भी हो, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, कोई भी हो, आईब्रोज सबके लिए मैटर करती। इससे आपका लुक थोड़ा अच्छा लगता है और पूरा जो आपका फेस है ना वो अलग ही दिखने लग जाता है। ये आपके लुक के लिए बहुत ही मैटर करता है। जिसकी जो आईब्रोज है वो थोड़ी पतली है या उनका कलर थोड़ा अलग है, जैसे कि भूरा रंग मान के चलो या फिर रेड लाल रंग मान के चलो, तो आपकी आईब्रोज आपके फेस पर खिलकर वार नहीं आती। ये गर्ल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चाहे भले आप स्टार्स को ले लो, चाहे आप किसी नॉर्मल गर्ल्स को ले लो, तो सबके लिए ये मैटर करता है आईब्रोज। और आईब्रोज के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, आप सलून भी जाते हो, आप सलून पर तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कराते हो, इसके बावजूद भी आईब्रोज काली घनी मोटी नहीं होती, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं आज आपको बिल्कुल 100 यूजफुल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जो कि आप ओनली 23 से 24 रुपए में आपकी आईब्रोज एक महीने में काली घनी मोटी कर लोगे। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? जो आप मार्केट से या फिर मेडिकल से ईबीएम 400 टेबलेट आती है, आप उसको लेके आ सकते हो। ये मार्केट से आराम से मिल जाती किसी भी मेडिकल स्टोर पर। फिर आपको करना क्या होता है, आपको इसमें से वो ऑयल देता है, जो ईवीएम 400 टेबलेट रहती है ना, उसमें से ऑयल रहता है। आपको उसके ऑयल को अच्छे से आपका फेस वॉश करे, आपके आईब्रोज को वॉश करे किसी भी शैम्पू शॉप से, और जब आपकी आईब्रोज की सारी गंदगी आप निकाल लें, आप फेस वॉश कर सकते हो या आप साबुन से फेस वॉश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको आपके फेस को साफ करना है। इसके बाद जो ईवीएम 400 टेबलेट में जो ऑयल निकलता है, आपको उसकी आराम से आपके आईब्रोज पर मसाज करना है। अगर आपके बाल बहुत ही छोटे हैं तो वो बड़े होने लग जाएंगे, अगर आपके बालों का रंग थोड़ा सा ब्राउन है या फिर रेड है तो वो बाल काले होने लग जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, खास करके गर्ल्स के ज़्यादा मैटर करता है। तो आप ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, ये ट्रीटमेंट आप यूज़ करें, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। और साथ ही साथ जो आपके आँखों के अंदर जो बाल रहते हैं ना, आप उस पर भी इसका यूज़ कर सकते हो और उनको भी बड़ा काला घना मोटा कर सकते हो। आईब्रोज अगर आपकी अच्छी है तो आप उसमें कैसे भी स्टाइल दे सकते हो, आपका लुक कैसा भी आप कर सकते हो। अगर आपकी आईब्रोज है ही नहीं, थोड़ी बहुत पतली है और उसमें बाल थोड़े भूरे या फिर रेड है, तो आपकी आईब्रोज खिलकर बाहर नहीं आती। तो आप इस ट्रीटमेंट का यूज़ करें कोई भी हो, और इस वीडियो को कमेंट जरूर करें इस वीडियो में, क्या आपको प्रॉब्लम क्या है, आपने इसको पहले से यूज़ कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर योर आइडिया, सी यू अगेन।